Kochi? समय नहीं मिश्री, मैं पहले ही तुम्हारे बिना बहुत वक्त बर्बाद कर चुका हूं, अब और नहीं करना चाहता। कमरे में आओ मिश्री। क्या हो गया इन्हें? कहीं राघव जी पर भूत पिशाच तो नहीं चढ़ गया? क्योंकि हम इतना तो जानते हैं, राघव जी वाणी दीदी को धोखा नहीं देंगे। फिर सब कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हम राघव जी के साथ खेल रहे, राघव जी भी हमारे साथ खेल रहे हो? तो फिर आपको हमारी परीक्षा लेनी है। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करते हैं। हम आपको इतना परेशान करेंगे कि आप सिर्फ हमें कमरे से नहीं, सीधा अपने घर से बाहर निकाल देंगे। हम श्री। मिश्री, दुल्हन के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही। अंदर आओ, आओ ना मिश्री, तुम्हारा ही कमरा। आओ मिश्री। मिश्री, तुमने ये घूंघट क्यों किया? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि घूंघट मैं हटाऊं? ठीक है। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री, देखो क्या सोचा था और क्या हो रहा है। हमारी तो सारी चाल उल्टी पड़ती जा रही है। कैसा लगा? बहुत प्यारा सजाया आपने अपना कमरा। मेरा नहीं मिश्री, हमारा कमरा। हाँ। ये सब क्या है? हम तो राघव जी को जगाने आए थे, फिर यहाँ खुद हमें 440 वाट का झटका लग गया। श्री, ये सब जो तुम देख रही हो, ये सब मैंने खुद सजाया अपने हाथों से। मैं चाहता था कि सब कुछ परफेक्ट हो। मैं पहले तो तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, पर अब कोई कमी नहीं रखना चाहता। सब बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। मैं पहले ही बहुत वक्त पर बात कर चुका हूं, अपने दिल की बात को समझने में मैं और वक्त पर बात नहीं करूंगा। हम भी कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। दिन का नहीं, इस रात का। रात रात का इंतजार कर रहे थे जैसे
हर लड़की करती है अपने पति के जिंदगी में, उनके दिल में, उनके कमरे में, है ना? आज तुम्हें पता चलेगा मिश्री, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है। हम भी आज बहुत खुश है, इसे लग रहा है खुशी के मारे हमारी जान निकल जाएगी। मिश्री, ये बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम जानते हैं आप ऐसे नहीं हैं, आप वाणी दीदी से कभी दूर नहीं जा सकते। राघव जी, हम ऐसा कैसे कर सकते? क्यों नहीं कर सकते मिश्री, क्यों नहीं कर सकते? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, हमारी शादी हुई है और आज हमारी स्वागत है और मैं तुम्हें तुम्हारा पत्नी होने का हक देना चाहता हूं। राघव जी, आप क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकता मैं, क्यों नहीं कर सकता? अगर तुम एक्टिंग कर सकती हो तो मैं एक्टिंग क्यों नहीं कर सकता? पत्नी का हक चाहिए ना तुम्हें, बहू बनना है ना इस घर की, तो अब क्या हुआ? रुक क्यों गई? तुम्हारा एबीवी का हक दो थक गया था तुम्हारे नाटक से। तो मुझे कुछ तो ऐसा करना था ना कि तुम्हारा भांडा फोड़ दो, और फाइनली मैंने ये कर दिया। खुद को समझदार समझना अच्छी बात है, पर दूसरों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। तुम डांस में जानबूझ के मेरे और वाणी के बीच से हट गई ना, ताकि तुम मेरे और वाणी के बीच ना सको। मैं तुम्हारा छोटा खेल समझ गया मिश्री, अरे जब तुम रासलीला में राधा बनकर वाणी की जगह नहीं ले सकते, तो असल जिंदगी में उसकी जगह अपना पत्नी होने का मक कैसे मांग सकते हो? मिश्री, तुम कोई झूठी नकली इंसान नहीं हो, तो फिर क्यों कर रही है? अच्छा लगा हमें ये सुन के कि आप हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। अब पति अच्छा नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा? लेकिन राघव जी, आपको क्या लगा कि आपके सब समझ में आ गया? नहीं, आज हम आपके करीब इसीलिए नहीं आए क्योंकि हमारी शादी आपके घर वालों के सामने नहीं हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं चाहते सबको पता चले कि हम आपकी पत्नी और इस घर की बहू है। हमें अपने पत्नी होने का हक चाहिए और आज ही चाहिए।